Dr. Muthuraj Pandian. रख विश्वास, तू है शिव का दास। उनके असली एक्शन सुपरस्टार सनी पाजी की फिल्म गदर 2 ने कसम खा रखी है कि जब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी तब तक ये फिल्म रुकेगी नहीं। क्योंकि दोस्तों यहां पर गदर 2 को सिनेमा घरों में इस वक्त तीसरा वीकेंड चल रहा है और फिल्म तीसरे वीकेंड में भी चौंकाने वाली कमाई करती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के अब तक के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में, वही सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के भी अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पेन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की सलार के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, वही इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के भी दो दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। और जानेंगे दोस्तों इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे, साथ ही साथ इस फिल्म में बॉलीवुड के कई लेजेंडरी कॉमेडियन भी शामिल है, जिसमें है विजय राज, राजपाल यादव, परेश रावल, असरानी और भी बहुत सारे कॉमेडियन। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर फ्रेंचाइजी होने की वजह से और कॉमेडी फिल्म होने की वजह से इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को तीन हफ्तों से चल रही गदर 2 और OMG 2 की वजह से स्क्रीन्स तो कम मिली, लेकिन कम स्क्रीन पर भी फिल्म ने पहले दिन अच्छी खासी कमाई की और दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। और कहीं ना कहीं अब यह लग रहा है कि ड्रीम गर्ल 2 फाइनली बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बन सकती है, क्योंकि दोस्तों फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं वो पूरे पॉजिटिव है, क्रिटिक्स को भी फिल्म पसंद आई और देश की जनता ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है। इसी के चलते दोस्तों यहां पर ड्रीम गर्ल 2 ने शुरुआती दो दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर कर ली है शानदार कमाई। दोस्तों आपको बता दें कि ड्रीम गर्ल 2 ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 9,30,00,000 रुपए का किया, जो कि कम स्क्रीन पर काफी बढ़िया कलेक्शन था। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और फिल्म भी अच्छी है, जिसके चलते ही फिल्म के सेकंड डे के कलेक्शन में एक अच्छी खासी ग्रोथ भी नजर आई है। फिल्म को जो मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल से लगभग 24% ज्यादा है। वही फिल्म की सेकंड डे आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी काफी जबरदस्त हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक ड्रीम गर्ल 2 अपने दूसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 11,50,00,000 रुपए का कर रही है। और इसी के साथ ड्रीम गर्ल 2 का शुरुआती दो दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 20,80,00,000 रुपए का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगभग 25,00,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से लगभग 6,50,00,000 रुपए कमा लिए हैं। और इसी के साथ ड्रीम गर्ल 2 का शुरुआती दो दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 31,50,00,000 रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म दो दिनों में 31 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है, जबकि फिल्म का बजट ही 35 करोड़ रुपए है। यानी कि दोस्तों फिल्म सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल कर लेगी। वही अगर बात करें सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जेलर को भी सिनेमा घरों में इस वक्त तीसरा हफ्ता चल रहा है और फिल्म के पास अब काफी कम स्क्रीन बची है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे हफ्ते में बहुत सारी तमिल और तेलुगु फिल्में रिलीज हो गई, जिसके चलते जेलर के पास जो स्क्रीन से वो अब कम हो गई है। लेकिन दोस्तों ये फिल्म तीसरे हफ्ते में भी करती जा रही है धमाकेदार कमाई। सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के दो हफ्तों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जेलर फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 450,80,00,000 रुपए का किया था, वही दूसरे हफ्ते में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 124,18,00,000 रुपए रहा था। वही दोस्तों जेलर फिल्म ने अपने तीसरे शुक्रवार
7,67,00,000 रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। बात करें इस फिल्म के आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों यहां पर जेलर फिल्म अपने तीसरे शनिवार लगभग 9 करोड़ की कमाई कर रही है दुनिया भर से। और इसी के साथ जेलर फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है वो हो चुका है 591,65,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत सर की जेलर फिल्म दुनिया भर में 591,65,00,000 रुपए की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें 2023 के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म सलार पार्ट 1 यानी कि सलार द सीज फायर के बारे में, तो दोस्तों प्रशांत नील का डायरेक्शन और प्रभास का एक्शन हमें सलार द सीज फायर में 28 तारीख को देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, फिल्म रिलीज होगी 28 सितंबर को। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर सलार फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो यूएसए में आज से 4 दिन पहले शुरू हो चुकी थी, और फिल्म को यूएसए में एडवांस बुकिंग में जो रिस्पॉन्स मिला है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म को रिलीज होने में अभी भी लगभग 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन 1 महीने पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग से जो कमाई की है यूएसए में वो तारीफ काबिल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सलार फिल्म ने अभी तक यूएसए से एडवांस बुकिंग में $2,65,000 की कमाई की है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2,19,00,000 रुपए होते हैं। तो फिल्म को रिलीज होने में तो 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन फिल्म ने अभी से ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगले हफ्ते में आपको यहां पर सलार का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो भी देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये न्यूज मैं ऑलरेडी अपने पिछले 2 दिन पहले के वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन कल इस फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ट्रेलर इज कमिंग सून। होमबाले टेलीफिल्म्स ने अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाला है जहां पर यह कंफर्म किया है कि सलार का ट्रेलर जल्द ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि सलार का ट्रेलर या तो 3 सितंबर को आएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 7 सितंबर को, पर इतना कंफर्म है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको सलार का धमाकेदार एक्शन पैक्ड ट्रेलर देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि दोस्तों सलार से प्रभास बॉक्स ऑफिस पर कमबैक कर पाते हैं या नहीं। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी और बॉलीवुड की हिट मशीन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों OMG 2 को भी सिनेमा घरों में 3रा हफ्ता चल रहा है। फिल्म के पास स्क्रीन काफी कम बची है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यह फिल्म 3रे हफ्ते में भी कम स्क्रीन पर हाउसफुल होती जा रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर गदर 2 के तूफान के सामने यह फिल्म रिलीज हुई, फिल्म को स्क्रीन भी कम मिली और 3रा हफ्ता आते आते तो फिल्म के पास स्क्रीन काफी कम रह गई, लेकिन फिल्म के जो कलेक्शन है वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। अगर बात करें OMG 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो अक्षय कुमार की OMG 2 ने शुरुआती 2 हफ्तों में इंडिया से नेट कलेक्शन 126,42,00,000 रुपए का किया था। वहीं दोस्तों फिल्म ने अपने 15वें दिन 2,55,00,000 रुपए कमाए, तो यह फिल्म आज यानी कि 16वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 3,50,00,000 रुपए का कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों OMG 2 का अब तक इंडिया नेट कलेक्शन 132,47,00,000 रुपए का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 158 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 31 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और इसी के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 189,190,000 का हो रहा है। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का बजट 50-60 करोड़ रुपए है, उस हिसाब से OMG 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। वही दोस्तों बात करें 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने जा रही फिल्म गदर 2 के बारे में, तो बॉलीवुड के बब्बर शेर और एक्शन के असली बाप सनी देओल की गदर 2 तीसरे हफ्ते में भी गदर मचा रही है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने के पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी तगड़ी कमाई करेगी, लेकिन यहां पर कई सारी फिल्में गदर 2 रिलीज हुई है उसके बाद आई और गई, लेकिन गदर 2 अभी भी सिनेमा घरों में पूरी तरह से राज कर रही है। और फिल्म के जो तीसरे हफ्ते के कलेक्शन है वो इतने खतरनाक है, जिन्हें देखने के बाद तो आप यही कहोगे कि गदर 2 अब बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाली नहीं, और फिल्म का फाइनल कलेक्शन सबको हैरान कर देगा। हालांकि दोस्तों बात करें गदर 2 के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों गदर 2 ने अपने शुरुआती 14 दिनों में यानी कि 2 हफ्तों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 419,10,00,000 रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने 15वें दिन
6,50,00,000 रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया। अब बात करें इस फिल्म के आज के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आज हाफ हॉलीडे होने की वजह से फिल्म को आफ्टरनून के बाद इवनिंग और नाइट शोज की जो बुकिंग मिली है वो काफी शानदार है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उस हिसाब से यहां पर गदर 2 आज यानी कि 16वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 10 करोड़ का कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों गदर 2 का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो रहा है 435,60,00,000 रुपए, वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 518 करोड़ रुपए। बता दे दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 52 करोड़ की कमाई कर ली है। और इसी के साथ गदर 2 का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 570 करोड़ का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 आज दुनिया भर में 570 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है और आने वाले 3 दिनों के अंदर ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 करोड़ से आगे चला जाएगा। लेकिन दोस्तों 600 करोड़ तो आने वाले 2-3 दिनों में फिल्म कमा जाएगी, पर उससे आगे ये फिल्म का कलेक्शन और कहां तक जाता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है गदर 2 का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।